कांग्रेस, जय कांग्रेस। हां लोबड़ बदम सोनिया गांधी हमेशा नायकत्वम ఖచ్చితంగా భారీ మెజారిటీతోని హనుమంత్ రెడ్డి గారు మన అభ్యర్థి గెలుస్తారు మొట్టమొదటిగా హరివర్ధన్ రెడ్డి గారు ఈ నిన్న జిల్లా అధ్యక్షుడై మొట్టమొదటి మీటింగ్ కుప్పలాపూర్లో కాల్పెట్టాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి संबंधी ना मित्रुडु बुग्गे श्रीनिवास गारु मरी कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थिनी श्रीमती सोनिया गांधी गारु राहुल गांधी गारु रेवंत रेड्डी गारु मरी कोल्ल हनुमंत रेड्डी गारिनि अभ्यर्थिगा इक्कड पंपिंचारु आ कार्यक्रमंलो प्रचारं चेयडानिकि मरि ओक गांधी कुटुंब सभ्युलु गांधी फैमिली मेंबर वो आल इंडिया एनएसए प्रेसिडेंट ने एनएसए रमेश चंदी पाचे व्यक्ति इक स्थाक वो आल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इकड़ वालिना सूर्य भास्कर राव गारु प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस आ यूथ कांग्रेस पाचे व्यक्ति मरी निजा प्राता प्राता मरी पेद रमेश चंदी अदृष्ट का भावस्ट देश राष्ट्रो अन्नी राष्ट्र चुनाव प्रजल का निवसी राष्ट्रो इन जिलो अन्नी जिल प्रजल का निवसीस्ट गत 30 संवत्सरा ना तो कल प्रयाणमेंट सोदर बुद्ध सीधु कार्यक्रम एर्पट्टी मरी मैं तेलंगा को अबर्वर का इंचारज वे रमेश चिंता गारी अदे विधा अना माजी केन्द्र मंत्रिवर्यु सर्वे सत्यनारायण गारी अदे विधा मरी रोज कार्यक्रम जरूर कारण मुख्य एन कल सदर्भंग हनुमंत रेड्डी गारी कांग्रेस पार्टी टिकट सदर्भंग मरी कार्यक्रम एर्पट्ठे इंतमान कारणमेंट गोल्लन हनुमंत रेड्डी गारी मरी अदे विधा प्रधान कार्यदर्शि भूपत रेड्डी गारी प्रधान कार्यदर्शि ना तम प्रियतम प्रेमरे तम श्रीनिवास रेड्डी गारी अदे विधा इकड़े अंदर प्रदेश पेर प्रति ओखरी ना उद्योग नमस्कार मुख्य नमक एन कल सदर्भंग मात्रे प्रकटी अद्यक्ष नियमित मरी अंदर समन्वय पार्टी गेल्कि व्यक्ति का रावानी नियमित सोनिया गांधी गारी अदे विधा ठाकरे गारी राहुल गांधी गारी रेवंत रेड्डी गारी मिगता प्रजल इंचारजूपूर्वक नमस्कार धन्यवाद रमेश चिंदाल गारे माटल तो सरपो आये तक व्यक्ति का रमेश चिंदाल गारे आये चाल गोप व्यक्ति आये एनएससी यूथ कांग्रेस नीचे यूथ कांग्रेस आदर्श होने आये रमेश चिंदाल गार अटे कांग्रेस पार्टी बाटल नड़ू कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम देशव्याप्त मरी कांग्रेस पार्टी की आना राजीव गांधी गारु अंडगा नड़पी व्यक्ति रमेश चिंदाल गार कार्यक्रम अध्यक्ष सिंग गार नमस्कार ने टाइम अंदर आशीर्वाद अंदर सहकार राष्ट्र कांग्रेस पार्टी अने संकेत अदे विधा कुपूर इवा कांग्रेस पार्टी गेल्दी तक हनुमंत रेड्डी गलूल अभी वर्ग प्रजू अभी मतलब प्रजु अभी कुल प्रजू इवा मन सपोर्ट कांग्रेस
పార్టీ వేవుంది కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు వేవుంది రేవంత్ రెడ్డి గారు వేవుంది అదే విధంగా నా మీద ఉన్నటువంటి ఒక సింపతి కూడా అన్ని కలిసి ఒక మంచి మెజారిటీతో మనం గెలవబోతా ఉన్నాం తప్పకుండా ఇంకా నాలుగు రోజులు మీరు అందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేయాలి ఇవాళ వాళ్ళు ప్రజల్లో ఏమీ లేదు అందరు కూడా బీజేపీ అనేది ఆల్రెడీ చేతులు ఎత్తేసారు ఇంకా టీఆర్ఎస్ ఆయన మాత్రం ఒక డబ్బులను నమ్ముకొని మరి మీకు కుల సంఘాలకు నేను 1000 గజాలు ఇస్తా 2000 గజాలు ఇస్తా 50 లక్షలు ఇస్తా అనుకుంటే తిరుగుతున్నాడు అది ఏది కూడా వర్కౌట్ అయితలేదు పైసలు పంచడానికి వస్తే పట్టుకొని తన్నండి వచ్చేది మన గవర్నమెంటే వీలైతే గుంజుకోండి కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పైసలు కూడా గుంజేసుకోవాలని కూడా మనకు వచ్చే గవర్నమెంట్ మనది కాబట్టి ఎవరు కూడా భయపడకండి తన్నండి పైసలు కూడా గుంజుకోవాలని కూడా రేపు పోల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మీరు అందరు కూడా మళ్ళీ కలుస్తామో లేదో कैंडिडेट के रूप में हमारे भाई कोलन हनुमंत रेड्डी आपके सामने खड़े हैं। यह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के प्रत्याशी हैं। इनके भारी बहुमत से इस असेंबली सीट से जितवा करके फेदरा आप लोगों का भाग्य बनता है। मैं गंजा श्रीनिवास जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इधर बुलाए और आई एन यू सी के हमारे सारे कार्यकर्ता इधर आए, उन्होंने सारे लोग मिल करके इस चुनाव में हनुमंत रेड्डी जी का को विजयी बनाने के लिए आगे आने का शपथ ली है। इसी अवसर पे इस देश की हालत के बारे में हमारे वरिष्ठ नेता सर्वे सत्यनारायण जी ने बताई, इस प्रदेश में करप्शन जारी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनके परिवारवाद के बारे में लोग बड़ा घृणा करते हैं। 10 साल के अंदर उन्होंने जो कमाया है इसके बारे में कोई विस्तार में मैं नहीं बताना चाहता हूं, आप लोग सब जो जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं तेलंगाना कांग्रेस की देन है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना राज्य बनाए और तेलंगाना के लोगों को आगे लाने के लिए, प्रगति के रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने जो कदम उठाया वो सब लोग जानते हैं। अभी सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देने की अवसर और मिला है, कांग्रेस पार्टी को विजयी बना के कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में लाना आप लोगों को फर्ज बनता है, इसके लिए आपको काम करना है। देखिए कांग्रेस एक बड़ा महान परंपरा कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, गांधी जी और नेहरू जी की परंपरा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की परंपरा, लेकिन आज राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ते जा रहे हैं, देश में जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने मोदी और अमित शाह के सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको मदद चाहिए। आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया यूनाइटेड फ्रंट को वापस सरकार बनाने के लिए कोशिश जारी है, उसको मदद करने की जरूरत है। उसके मदद कैसे करेंगे, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना करके आपको इंडिया यूनाइटेड फ्रंट को मदद कर सकते हैं। सर्वे जी ने ठीक से बोला, 10 साल नरेंद्र मोदी ने जो राज की है इस देश को बांटने का काम किए है, नफरत पैदा रहे, भाई और भाई भाई में झगड़ा होते जा रहे हैं, जात के नाम पे लोगों को विभाजित करते जा रहे हैं, इसको मुकाबला कौन कर सकते हैं, केसीआर नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर सकते हैं। कांग्रेस के राज तेलंगाना में होना बहुत जरूरी है, लोगों के अल्पसंख्यकों को माइनोरिटीज को मदद करने के लिए, एससी और एसटी को मदद करने के लिए, हमारे समाज के जो शोषित पीड़ित गरीब
लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में आना जरूरी है। अभी सर्वे जी ने बहुत सारे बताए, उन्होंने हनुमंत रेड्डी जी के बारे में बताए, एक कर्मठ कार्यकर्ता है, वकील है, अच्छे आदमी है, आपके सामने वो खड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हैं उसको विजयी बनाना आपका फर्ज बनता है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, विजयी बनाना तो सरकार में मंत्री ये जरूर बनेंगे, मैं आपको वादा देना चाहता हूँ। आप सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहिए, देश के किसान किसान तरस रहे हैं और जो गांव में काम करने वाले शोषित पीड़ित सारे लोग दुखी हैं। हम लोग देश के पिता तंत्र को रक्षा करना चाहते हैं, देश को आगे लेके चलना चाहते हैं, देश की सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमको लड़ना है और तेलंगाना के अंदर एक अच्छी सरकार, एक बढ़िया सरकार आपको देने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। इसीलिए आप कांग्रेस के प्रत्याशी श्री हनुमंत रेड्डी को वोट हाथ के निशाने पे वोट देकर के उसको विजयी बनाना है।